हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें टेक टूल्स को और इस बेल बटन को दबाएं और हर रोज एक हिंदी में नया वीडियो पाएं। आप तक पहुंचते रहेंगे मेरे पूरे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट। हेलो दोस्तों, क्या आपने कोई नई कंपनी अभी भी स्टार्ट करी है और आप चाहते हैं उसका लोगो बनवाना और आप इसके लिए किसी प्रोफेशनल को ढूंढ रहे हैं? तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ आपको आप अपना लोगो खुद कैसे बना सकते हैं और वो भी इजी वे के अंदर। आप सोचिए, अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, चलेगा। अगर आपको किसी और चीज़ की नॉलेज नहीं है, किसी सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है, तो भी चलेगा। मैं आपको आज बहुत ईजी वे आपको बताऊँगा किस तरीके से आप अपना लोगो बना सकते हैं, वो भी बिना किसी बड़ी जानकारी के, वो भी मोबाइल से। ये बहुत अच्छी ऐप है जिसके थ्रू आप अपना लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं या कोई भी क्रिएटिविटी आप उसके थ्रू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही मैं आपको एक ऐप और बताऊंगा जिसके अंदर वॉइस चेंजिंग, आप अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं और थोड़ा एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, अपनी फ्रेंड्स को भेज सकते हैं, और उसमें हीलियम जैसे अच्छे इफेक्ट्स भी हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, पिक्सल नॉट एक इस टाइप की ऐप है। अगर आप चाहते हैं किसी को कोई सीक्रेट मैसेज भेजना जो कोई ना पढ़े, और ऐसा मैसेज जो एक इमेज के रूप में वहाँ जाएगा, जब भी आप किसी को भेजेंगे एक इमेज जाएगी, बट जैसे ही उस इमेज को आप क्लिक करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड डालने के बाद ही वो मैसेज सामने वाला बंदा रीड कर पाएगा। तो आप समझ सकते हैं किस किस टाइप के ऐप्स में आपके लिए लेके आया हूँ। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, फिर से मेरा आप चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ और बना पाऊँगा। और प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को। तो देखते हैं ये किस तरीके से ऐप्स वर्क करती है और इसका क्या प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैं बताता हूँ ये किस तरीके से आपको करना होगा। सबसे पहले हम लोगो मेकर की तरफ चलते हैं, उसको कैसे डाउनलोड करना होगा मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले मेन्यू बटन में जाना होगा, इसके बाद में आपको प्ले स्टोर ढूंढना होगा अपने मोबाइल में, और प्ले स्टोर के बाद में आपको लोगो मेकर टाइप करना होगा। ओके, लोगो मेकर, जैसे ही लोगो मेकर में टाइप करूँगा, आप देख रहे हैं लोगो कुछ वायर से लटके हुए हैं, और ये वाला जो है लोगो जनरेटर एंड लोगो मास्क, ये आपको इंस्टॉल करना होगा, क्लिक करना होगा, और यहाँ पे ओपन की जगह इंस्टॉल आपको लिखा हुआ मिलेगा। आप इसे इंस्टॉल करेंगे और आप इसे डाउनलोड करेंगे। आपको अगर डाउनलोड करना नहीं आता तो मैं आपको फिर से बता सकता हूँ कि किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है, बट ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं इसको कम टाइम में देते हुए आपको डायरेक्टली बता देता हूँ आपको किस तरीके से ये डाउनलोड करना होगा। मैं इसे पहले अनइंस्टॉल कर देता हूँ, और मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के अंदर, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। जैसा कि ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, ये डाउनलोड हो चुका है, और ओपन का यहाँ पे बटन आ गया है। मैंने ओपन पे क्लिक किया, ओपन पे जैसे ही क्लिक किया मैंने अलाउ किया, और अब हम देखेंगे किस तरीके से हम लोगो बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा है दोस्तों, आपको किसी प्रोफेशनल की नीड नहीं है, आप खुद लोगो बना सकते हैं, और इसमें कोई पैसा भी आपका नहीं लग रहा है, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक बार तो आपको ट्राई करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्रिएट पर क्लिक करूँगा। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे क्रिसमस, कलरफुल आर्ट, आपका जो भी कैटेगरी है, वुमेन या एनिमल या फूड कुकिंग या किसी भी टाइप का, आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी जाता हूँ और मैंने फैशन से रिलेटेड एक कैटेगरी मैंने डाउनलोड करनी है एक्स्ट्रा, तीन इसमें ऑलरेडी दी हुई है, बट चौथी अगर मुझे डाउनलोड करनी है तो मैं क्लिक करूँगा और डाउनलोड फ्री पे क्लिक करूँगा, और डाउनलोड सेक्शन से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ अच्छे अच्छे, जो भी मेरे को लगता है कि जो अच्छे और भी ग्राफिक्स है वो और डाउनलोड किया जा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा पोज कर देता हूँ ताकि ग्राफिक्स डाउनलोड हो जाएं। सो फ्रेंड्स, आप देखेंगे डाउनलोड हो चुके हैं सारे ग्राफिक्स। मैं बैक जाता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ फैशन के ऊपर। अब आप देखेंगे मेरे पास बहुत सारे ग्राफिक अवेलेबल हैं, आप अच्छे अच्छे ग्राफिक्स डाउनलोड कर सकते हैं और भी, लाइक जैसे मैंने एक ग्राफिक सेलेक्ट किया जो मुझे अच्छा लग रहा है, लाइक मैंने सेलेक्ट किया सूटकेस, ये मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे ऊपर एक राइट का टिक लगा हुआ है, इस पर क्लिक किया। अब देखेंगे जैसे ही यहाँ पे मैंने राइट पे क्लिक किया तो ये सूटकेस यहाँ आ गया। अब मैं सूटकेस को यहाँ से पकड़ के बड़ा या छोटा या घुमा सकता हूँ जिस तरफ मैं चाहूँ। मैंने इसको एक्यूरेट पोजीशन पे रखा और ये बिल्कुल इस समय बिल्कुल सीधा है,
मैं इसको बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करूँगा, ये बिल्कुल सीधा है, मैंने इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर रखा, और मैं चाहता हूँ कि RGBA इट मीन इसके कलर कॉम्बिनेशन होते हैं रेड ग्रीन ब्लू, और ए अल्फ़ा के लिए काम में आता है, बट ऐसा अभी कुछ है नहीं, मैं बैकग्राउंड पे जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ इसके साथ कोई बैकग्राउंड भी हो ग्रीन, लाइक मैं चाहता हूँ कोई अच्छा सा बैकग्राउंड हो, ब्लैक बेस्ट है, मैंने ब्लैक कर दिया है, और मैं क्लियर भी कर सकता हूँ यहाँ से, या मैं फिर से ब्लैक कर सकता हूँ, मैं गैलरी से भी कोई बैकग्राउंड ले सकता हूँ अगर चाहूँ तो, मैं कोई भी किसी भी टाइप का बैकग्राउंड गैलरी से भी ले सकता हूँ, नो बैकग्राउंड पे अगर मैं क्लिक करूँगा, नो बैकग्राउंड मतलब कोई बैकग्राउंड नहीं अप्लाई किया, अब देखेंगे इस समय सूट के सारा ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें एक टेक्स्ट ऐड करूँ, मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया, और आप देखेंगे टेक्स्ट आ गया है यहाँ पे, और मैंने इसको ऊपर किया, आप देखेंगे ये रहा, और मैंने इसका कलर वाइट लिया, वाइट करने से ये दिखने लगा, और मैंने यहाँ पे इसको रखा, और मैंने सपोज़ मुझे इसको थोड़ा रोटेट करना है, मैंने यहाँ से रोटेट किया, यहाँ से मुझे साइज़ बड़ा छोटा करना है, मैंने साइज़ बड़ा छोटा किया, थोड़ा सा मुझे लाइट करना है, ऑपेसिटी डार्क करनी है, हाईलाइट करना है, जैसा भी करना है, शेडो पे मैं गया और मैंने शेडो का कलर रखा, कोई अच्छा सा कलर मैंने रखा, लगभग ये वाला कलर मैंने चूज़ किया, और मैंने रेडियस बढ़ाई, आप देखोगे रेडियस से थोड़ा सा ग्लो आया है, और साथ में शेडो भी आई है, ओके ये आप देखिए वाई के डायरेक्शन में थोड़ा सा, अब मुझे थोड़ा ये अच्छा लग रहा है, ग्लो करता हुआ लग रहा है, और शेडो भी अच्छी आई है, मैं चाहूँ तो और भी कलर की शेडो ले सकता हूँ, लाइक मैं ब्लू ले सकता हूँ, ब्लू अच्छा लग रहा है, और मैं इसे फॉन्ट भी बदल सकता हूँ, यहाँ से सेंट्रलाइज कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, यू कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, कलर एंड एडजस्ट कर सकता हूँ मैं, शेडो मैंने ऑन करी दी, इसके बाद मुझे अप्लाई करना होगा, अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है डबल टैप टू एडिट, मैंने डबल क्लिक किया और मैंने यहाँ टाइप किया टेक टूल्स, सपोज़ कीजिए मैंने TECHTWLS और अप्लाई किया, और अब देखेंगे मेरा यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, टेक टूल्स लिखा हुआ, मैंने रेडियस ली, और एक सेकंड मुझे ब्लू ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये, मैंने अप्लाई किया, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और अप्लाई करूँगा, अब आप देखेंगे टेक टूल्स का एक लोगो तैयार हो गया है छोटा सा, जो बहुत ही प्यारा है, और मैं इसमें कोई शेप भी ऐड कर सकता हूँ, ऐड शेप, मुझे लगा मुझे ये शेप ऐड करनी चाहिए, या ये ऐड करनी चाहिए, या ये ऐड करनी चाहिए, साथ में मैंने वो शेप भी यहाँ पे ऐड कर ली, लाइक एक ये या डायमंड, इस तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा के इसके बीच में कुछ भी आप अपना लोगो जनरेट कर सकते हैं, और मैं चाहता हूँ मैं एडजस्ट करूँ इसका भी रेडियस या इसकी भी साइज़ वगैरह और ऑपेसिटी वगैरह, ये देखिए आप मैंने थोड़ा सा लाइट कर दिया इसको, अप्लाई किया, मैंने फिर से ऐड शेप करी, और मैं फिर से शेप्स पे गया, और मुझे लगता है मुझे टेक टूल्स के आगे कुछ लगाना चाहिए, मैंने रिबन से रिलेटेड देखा नहीं, मुझे रिबन से रिलेटेड देखा, और रिबन कोई अच्छा है, कोई रिबन अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं, हम रिबन के आगे लेबल पे आते हैं, लेबल भी कोई चीज़ अच्छी है नहीं है, रेक्टेंगल पे आते हैं, हमें ये रेक्टेंगल मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको उठाया, और मैं इसको रेक्टेंगल को भी मैं इधर उधर करके ऊपर नीचे कर सकता हूँ, अब आप देख रहे होंगे सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है ऑलरेडी, आप सारी चीज़ें छू सकते हैं, छेड़ सकते हैं, इस तरीके से एक आप अच्छा लोगो जनरेट कर सकते हैं आप अपना, आप देखेंगे ये लोगो बहुत अच्छा लग रहा है, और इसी तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी से सारी चीज़ें कर सकते हैं आपके हिसाब से, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें इस लास्ट वाले कॉर्नर वाले बटन पर क्लिक करना होगा और एक्सपोर्ट टू गैलरी कर देना होगा, एक्सपोर्ट टू गैलरी करने से हमारा लोगो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा, तो गाइस इस तरीके से आप अपने अच्छे लोगोस बना सकते हैं, जैसे मैंने ये बना रखा है और मैंने एक ये भी बनाया था, इस तरीके से आप कोई भी एक अच्छा अच्छा लोगो जनरेट कर सकता है बिना किसी नॉलेज के या बिना किसी कंप्यूटर के, तो चलते हैं दोस्तों हम अपने दूसरे ऐप की तरफ जिसका नाम है पिक्सल नोट, बेसिकली जो पिक्सल नोट का काम है वो ये है कि पिक्सल नोट कैसे डाउनलोड करना है, मैं फिर से वही प्रोसेस आपको बताता हूँ, प्ले स्टोर पर हमें जाना है और यहाँ पे हमें टाइप ढूंढना होगा पिक्सल नोट, अगर आप देखेंगे पिक्सल नोट जैसे मैं टाइप किया सबसे ऊपर ऐप आ रही है पिक्सल नोट हिडन मैसेजेस, सेम वही प्रोसेस स्टार्टिंग में जो मैंने किया था वही रहेगा, आपको उसी तरीके से इसे इंस्टॉल करना होगा और ओपन करना होगा, अभी मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, आप देखेंगे इसमें पिक्सल नोट के अंदर दो ऑप्शन आ रहे हैं, मैंने प्लस पे क्लिक किया और वी नीड टू रिक्वायर परमिशन टू एक्सेस फोटोज़ टैप एनीवेयर, ये एक्सेस मांगेगा आपसे तो आप इसे अलाउ कर दीजिएगा, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ मेरे को मिल रही है और मैंने सपोज़ ये फ़ोटो क्लिक करी और मैंने इसमें मैसेज टाइप किया हाय हेलो हाउ आर यू और ओके किया, आप देखेंगे इसमें सेटअप मैनेज पासवर्ड, मैंने 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड रखा और सेट कर दिया, ऑलमोस्ट डन ओके,
अब ये कुछ टाइमिंग लेगा इसको परसेंटेज को पूरा कंप्लीट करेगा ताकि ये इसको बना सके इमेज को और पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सके। और इस तरीके से हम कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें सीक्रेट वे में किसी तक भेजनी है बिना किसी ऐसा सबको ऐसा लगे कि इमेज ही तो है बस तो आप टैप टू सेंड करें और आप जीमेल पे जाएं और आप ईमेल आईडी डालें, जो भी आपका ईमेल आईडी हो आप कोई भी सब्जेक्ट डालें और कुछ भी डालें और सेंड कर दीजिए। सो, इस तरीके से आप इस मैसेज को सेंड कर देंगे किसी को भी ईमेल के ऊपर और आप इजीली वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड इमेज सबके पास जाएगी और आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड होने की वजह से हर कोई इसे रीड नहीं कर पाएगा, इमेज समझेगा और उसे वो बाद में अगर वो समझता होगा आपने उसको बताया होगा किस तरीके से आपको रीड करना होगा तो उस इमेज को रीड करेगा। चलो ये दोस्तों हम चलते हैं तीसरे हमारे ऐप के थ्रू जिसका नाम है वॉइस चेंजर और ये थोड़ा एंटरटेनमेंट का पार्ट है। मैं आपको बता दूँ जैसे चेंज योर वॉइस ये ऐप हमें डाउनलोड करने की प्रोसेस वही रहेगा डाउनलोड करने का जो हमने स्टार्टिंग में किया था, बस हमें लिखना होगा इस बार चेंज योर वॉइस। और मैं गया और मैंने क्लिक किया चेंज योर वॉइस पे और मैंने जैसे क्लिक किया चेंज योर वॉइस पे आप देखेंगे सबसे पहले मैंने रिकॉर्ड किया, सपोज़ रिकॉर्ड किया मैंने, हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू हाउ इज़ योर फैमिली ओके। तो इस तरीके से आप देखेंगे कैसे कैसे इफेक्ट बनते हैं। हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू हाउ आर यू ये बहुत फनी है। हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू ओके लेट्स ट्राई रोबोट। हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू हाउ आर यू हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू मॉन्स्टर। हेलो फ्रेंड्स नर्वस। हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू हाउ आर यू ड्रंक। Hello friends. Squirrel. Hello friends. How are you? Child. Hello friends. Dad. Reverse. Yawa. 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 Sniffle. तो इस तरीके से आप अलग अलग आवाज़ को आप क्रिएट कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया ये ऐप बहुत अच्छी है, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये तीन ऐप्स मैंने आपको बताई है ये हमारे काफ़ी यूज़फुल है और हम इसे यूज़ भी कर सकते हैं टाइम आने पे। आज के लिए मैं अलविदा लेना चाहूँगा और थैंक्स अ लॉट मेरे वॉइस को सुनने के लिए, मेरे वीडियो को देख